नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564905096906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे इनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में और मैं इसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स है वो गवर्नमेंट की लीडिंग जो भी वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स से वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट अगर कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है वो जरूर ज्वाइन कर ले, उसके साथ ही जो इंस्टा का हमारा पेज है उसको भी फॉलो कर ले। तो यहाँ पर हम जिन टॉपिक्स को देखने वाले हैं आज, तो उसमें सबसे पहले बिल्किस एदी जी का नाम है, ठीक है। तो ये जो है आपका इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे बेस्ड क्वेश्चन, इसको देखेंगे हम लोग, पेपर वन में रख सकते हैं आप इसको। उसके बाद एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक है जिसको पेपर सेकंड में रख सकते हैं। उसके बाद डेटा ड्रिवन रिसर्च है ना, इरेडिकेट टीबी, डेयर टू एरा डी टीबी है ना, इराड है दरअसल, ERADTB है, इसको देखेंगे। थर्ड पेपर सेकंड पेपर दोनों में रख सकते हैं आप इसको। इसके बाद जो है ऑयल स्पिल के बारे में देखेंगे, काफी पुराना टॉपिक है आपका है ना, तो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, जैसे ऑयल जैपर वगैरह पढ़ा होगा आप लोगों ने, वही है ये टॉपिक, एनवायरमेंट का टॉपिक है आपका, ठीक है। तो थर्ड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद इरिडियम फोन्स और सैटेलाइट फोन्स के बारे में जो है यहाँ पर चर्चा की गई है, ठीक है, एंड थर्मल कैमराज, तो इस तरीके के जो सैटेलाइट फोन है वो बरामद किए गए हैं है ना, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। थर्ड पेपर में रख सकते हैं आप इसको, ठीक है, टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसको डिटेल में देखेंगे हम लोग। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनका जो आपका इनकी मृत्यु हो गई है बिल्किस एदी जी की, तो उनके निधन पर जो है उन्होंने शोक व्यक्त किया है। तो भैया ये जो है बॉर्न हुई थी 1947 में बटवा में, जो वर्तमान में गुजरात स्टेट में है। इसके बाद ये पाकिस्तानी नर्स थी, इन्होंने 16,000 से ज्यादा बच्चों की जो है जान बचाने में सहायता की है। ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो एक्टिव फिलैंथ्रोपिस्ट है ना, उसके अंतर्गत इनको जो है काउंट किया जाता है। इन्होंने को चेयर किया जिसको एदी फाउंडेशन की ये सह अध्यक्षा भी थी है ना, और एक चैरिटी संगठन है ये एक तरीके का, जिसका पाकिस्तान में कराची में एक हॉस्पिटल है और कई सारी आपातकालीन सेवाओं को भी वहां से क्रियान्वित किया जाता है। इस तरीके की सेवाओं को प्रदान करने में इस संस्था का योगदान रहा है। इसके बाद इनको जो है मदर ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इनको 1986 में रमन मैक्सेसे अवार्ड दिया गया था पब्लिक सर्विस के लिए और मदर टेरेसा मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड सोशल जस्टिस के लिए 2015 में दिया गया था, ठीक है। इसके बाद ये आपके जो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है हिलाले इम्तियाज, उसको भी इन्होंने जो है प्राप्त किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन, इसके बारे में यहाँ पर ये बताया जा रहा है, जो अभी जो आपका इनोवेशन देखा जा रहा है ना, कई तरीके के, इसको कवर भी किया था हमने कि अब जो है दो कोर्सेस को साइमल्टेनियसली फिजिकल मोड में, जैसे दो जो आपके कोर्सेज होते थे उनको साइमल्टेनियसली कंटिन्यू करने में क्या होती थी, एक प्रॉब्लम देखी जाती थी है ना। तो वो एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक है कि फिजिकली दोनों को जो है वो क्या किया जाए, परस्यू किया जाए। तो उसी के संदर्भ में आर्टिकल, अब समझिएगा कि हाल ही में जो UGC उसने बोला कि छात्र जो है एक ही समय में दो डिग्री लेने के विकल्प को क्या कर सकेंगे, उनका दोहन कर सकेंगे, उसी के लिए नए जो दिशा निर्देश है वो उन्होंने जारी किए। अब समझिएगा कि कैसे। तो इसके पहले तो हम सबसे पहले यहाँ पे की पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसके पीछे तर्क क्या है, रैशनल क्या है। तो सीधी बात है, दो एकेडमिक डिग्री साइमल्टेनियसली कोई भी स्टूडेंट परस्यू कर सकेगा और उसके साथ ही जो है डाइवर्स स्किल्स को भी गेन कर सकेगा, ठीक। पहले आप देखेंगे तो एक छात्र एक समय में केवल एक विशेष डिग्री ही प्राप्त कर सकता था है ना, ये या तो ऑनलाइन या अल्पकालिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम के साथ केवल एक ही पूर्ण
अप्लाई कर सकता था, लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक ही समय में दो डिग्री प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई। अब यूजीसी जो है उसके अंतर्गत जो है नए जो है दिशा निर्देश देश भर में उपलब्ध सभी कार्यक्रमों पर लागू होंगे। तो छात्रों को एक ही टाइम पे दो डिग्री चुनने के लिए जो है ये स्वतंत्रता दी गई है, पूर्णकालिक सुविधा प्रदान की गई है, और ये ग्रेजुएशन जो है और पोस्ट ग्रेजुएशन ठीक दोनों प्रोग्राम्स के लिए है, ठीक है ना, बैचलर्स के लिए भी और मास्टर्स के लिए भी, ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक, इसके बाद जो अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल होता है और वो परस्यू कर रहा है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, तो वो एनरोल कर सकता है बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम में किसी डिफरेंट डोमेन में भी। कोई साइंस वाला है तो आर्ट में भी कर सकता है, मतलब वो वहां पर योग्य होगा परस्यू करने के लिए दोनों कोर्सेस को साइमल्टेनियसली, है ना। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ठीक है। और ये जो गाइडलाइंस है वो केवल एप्लीकेबल होंगे किसके लिए, तो जो लेक्चर बेस्ड आपके कोर्सेज हैं जिसके अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं, ठीक। इसके बाद जो एमफिल और पीएचडी कार्यक्रम है इस योजना के अंतर्गत नहीं आएंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, कि क्या नहीं आएंगे, तो ये स्टेटमेंट फ्रेम किया जा सकता है प्रीलिम्स में भी। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि भैया यहाँ पर क्या ऑप्शंस है स्टूडेंट्स को, मतलब सीधी बात है दो फिजिकल प्रोग्राम्स जो है उसमें साइमल्टेनियसली एनरोल करके जो है उनको परस्यू कर सकते हैं स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद दो एकेडमिक जो है प्रोग्राम्स अगर वो परस्यू कर रहे हैं तो उसमें से एक जो है फुल टाइम फिजिकल मोड में कर सकते हैं, अनदर जो दूसरा है वो ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड में कर सकते हैं, ठीक है। ये ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम को किस संदर्भ में, फिजिकल मोड में, भौतिक रूप में जो है जाके जैसे क्लास वगैरह अटेंड करते हैं यूनिवर्सिटी में, उसके साथ जो दूसरा प्रोग्राम हो उसका उसको जो है ऑनलाइन मोड से एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद ये परस्यू कर सकते हैं दोनों डिग्री के कोर्सेज को साइमल्टेनियसली ऑनलाइन मोड में भी। तो बेनिफिट्स क्या है इसमें, तो सीधी बात है बेनिफिट एक बात तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो है उनका स्किल डेवलपमेंट होगा, विभिन्न क्षेत्रों में उनको महारत हासिल होगा, तो वो एक जो है आपके मानव संसाधन जो विकास की एक प्रक्रिया है उसको हमें एक अलग स्तर पर ले जा सकेंगे, जिससे देश का विकास भी जो है वो क्या होगा सुनिश्चित हो सकेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मुक्त आपकी ओपन जो डिस्टेंस लर्निंग है दूरस्थ शिक्षा और जो ऑनलाइन प्रणाली के पाठ्यक्रम है केवल जो है आपके ऐसे ही उच्च शिक्षा संस्थानों में चलाए जाते हैं जो आपके क्या हो रिकॉग्नाइज्ड हो, जैसे कि वो मान्यता प्राप्त हो AICTE से, है ना, AICTE से, है ना, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है ये आपका, फिर UGC है, तो इनके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड जो इंस्टीट्यूट होंगे वही जो है उसको क्या करा सकेंगे, उन कोर्सेस को लॉन्च कर सकेंगे, ठीक है। अब नई गाइडलाइंस जो है उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है ड्यूबियस प्लेयर्स को, है ना, जैसे ऑनलाइन अब जो है एजुकेशन का मोड आ रहा है तो उससे कई सारे जो है फर्जी लोग भी आ रहे हैं, है ना, कई सारे जो है ड्यूबियस प्लेयर्स भी आते हैं, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए जो है नई गाइडलाइंस को भी निकाला गया है, ताकि ऑनलाइन एजुकेशन सेगमेंट में ऐसा ना हो कि कोई भी वहां पर जो है ऐसा प्लेयर आ जाए जिसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी ना हो और वो स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और यहाँ पर जो है ये इसके माध्यम से छात्रों को एक जो है एक्स्ट्रा डिग्री के माध्यम से अपने कौशल विकास के उन्नयन में जो है उनको सहायता मिलेगी, तो इससे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी जो होगा, है ना, वो बढ़ेगा, कि रोजगार के अवसरों की जो आपकी संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी की संभावना यहाँ पर क्या होगी दिखाई दे रही है। इसके बाद चैलेंजेस क्या है, ठीक है, अब अगर इसमें देखें हम कि चैलेंजेस क्या है मतलब चुनौतियां क्या है, तो सीधी बात है सबसे पहली चीज यह है कि ये है कि यूजीसी की गाइडलाइंस ने जो वहां पर चिन्हित किया गया उसमें बोला गया है कि एक निश्चित जो है वहां पर मिनिमम अटेंडेंस होनी चाहिए फिजिकल कोर्सेस के लिए। अब मान लीजिए कि स्टूडेंट परस्यू कर रहा है अगर दो फिजिकल कोर्सेस को सेम टाइम पे, तो वो जो है आपका ये मिनिमम अटेंडेंस के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएगा दोनों कोर्सेज में, ये आपका यहाँ पर यथार्थ जो है या तार्किक नहीं समझ में आ रहा है, यथार्थ रूप में आप देखेंगे तो ये जो है पॉसिबिलिटी इसकी कम है, है ना। अब दूसरी चीज ये बताई जा रही है कि 2019-20 का जो आपका ऑल इंडिया सर्वे है हायर एजुकेशन रिपोर्ट जो उसमें आई है उसमें नेशनल एवरेज जो बताया जा रहा है कॉलेज डेंसिटी का, है ना, कॉलेज में डेंसिटी का जो नेशनल एवरेज है वो ओनली 30 बताया जा रहा है ना। इसको कैसे लिया जाता है, तो कॉलेज डेंसिटी जो रेफर करते हैं हम, कॉलेज में पर लाख पॉपुलेशन जो है ना, पर लाख में जो पॉपुलेशन है इन द एज ग्रुप ऑफ 18-23 इयर्स, ठीक। अब समझिए कि अगर एक स्टूडेंट एक्वायर करेगा दो सीट, तो ऑलरेडी जो है यहां पर पुअर कॉलेज डेंसिटी है ना, तो ये अफेक्ट करेगा एक्सेसिबिलिटी को,
एजुकेशन के डोमेन में डिफरेंट सेक्शंस के लिए सोसाइटी में, तो ये नॉर्मल सी चीजें, हमको चुनौतियां लिखनी होती तो ये पॉइंट्स निकालने होते हैं हमको। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी फुरकान कमर कमेटी बनी थी आपकी, है ना, 10 साल पहले, तो उन्होंने पहले ही रिकमेंडेशन दिया था कि डुअल प्रोग्राम आप चला सकते हैं इसी तरीके से, सेकेंड डिग्री एक साथ, है ना, लेकिन केवल उन्होंने ये बोला था कि जो दूसरी चलाएंगे आप, तो मतलब एक डिग्री कोई चल रही है फुल टाइम, उसके साथ अगर दूसरी डिग्री कोई करना चाहता है तो वो केवल ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड में कराएगा, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली इस तरीके से दो डिग्री किया जाएगा। लेकिन फिर उसको जो है क्यों नहीं किया जा सका इम्प्लीमेंट, क्योंकि जो आपके लॉजिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव और जो एकेडमिक चैलेंजेस थे उसके कारण उसको ड्रॉप कर दिया गया, खारिज कर दिया गया था, ठीक है ना। तो वे फॉरवर्ड क्या है, तो सबसे पहले तो ये कि इसका जिस उद्देश्य से बनाया जा रहा है उस हिसाब से इसको फॉलो भी किया जाए, इम्प्लीमेंट भी किया जाए, है ना। तो सीधी बात है कि यूजीसी को चाहिए कि एक जो भी आपका यहाँ पर कोर्स है उसको भौतिक प्रणाली से, और दूसरे के लिए जो है आपका ओपन और डिस्टेंस जो आपकी प्रणाली होती है ऑनलाइन मोड, उसके हिसाब से जो है उसको जो भी उसने दिशा निर्देश निकाले हैं तो उसको वो वापस से उसमें पुनर्विचार कर सकती है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फोकस होना चाहिए कि हम वहां पर सशक्त करें और स्ट्रीमलाइन करें, किसको, जो ओपन डिस्टेंस हमारा लर्निंग कोर्सेज है उसको पैरेलली, है ना, दोनों को फिजिकली जो है वो परस्यू कर पाना थोड़ा सा कठिन है। इसके बाद यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अब दो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड उसके पास डिग्री है, ठीक है, तो वहां पर डुप्लीकेशन ना हो कोर्सेज का, तो यहाँ पर फोकस होना चाहिए यूजीसी का कि डुप्लीकेशन ना हो, है ना, तो उसको कम करने के लिए वो वहां पर आयामों को अपनाए, है ना, उस तरीके के जो है प्रावधानों को अपनाए, ठीक है। और इसके इससे होगा क्या कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं, लॉजिस्टिक जो चैलेंजेस हैं, उनको भी जो है पॉलिसी में उस तरीके के प्रावधानों को अपनाया कि उस तरीके के जो चैलेंजेस आ रहे हैं लॉजिस्टिक से रिलेटेड, लॉजिस्टिकल से रिलेटेड और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस कर पाए हम लोग, उनको कम कर पाए, ठीक है, सेकेंड डिग्री से संदर्भित बात कर रहे हैं ये। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डेटा ड्रिवन रिसर्च टू इरेडिकेट टीबी, डेयर टू ERADD टीवी है आपका, ठीक है। तो ये एक तरीके से है क्या, ये समझ लीजिए, तो ये डेटा संचालित अनुसंधान जो डेयर टू इरेड टीवी है उसकी शुरुआत करने की घोषणा की है ना, किसने, हमारे मंत्री जी ने, जितेंद्र सिंह ने, ये है क्या, तो सीधी बात है ये डेटा संचालित एक अनुसंधान कार्यक्रम है, किसके अंतर्गत है, तो भैया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री कौन सी होगी, तो साइंस एंड टेक आएगी। ये अम्ब्रेला टीवी प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, इसके अंतर्गत जो की इनिशिएटिव्स है उसमें जो इंडियन ट्यूबरक्लोसिस जीनोम सर्विलेंस कंसोर्टियम है, इंडियन टीवी नॉलेज जो आपका हब वेबिनार सीरीज है, होस्ट डायरेक्टेड जो आपकी थेरेपीज है अगेंस्ट टीवी, और डेवलप किया जा रहा है एविडेंस बेस्ड रेजिमेन किसके लिए, ट्रीट करने के लिए एक्स्ट्रा पुलमोनरी जो आपका ट्यूबरक्लोसिस है, नॉर्मल सी चीजें रटना नहीं है इसको, इसके अंतर्गत जो आपका जीनोम सिक्वेंसिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको यूज किया जाएगा, ठीक है ना, और इसका यूज जो है आप देखेंगे तो लगातार बढ़ता भी जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी में, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत करेंगे क्या कि ये जो आपका 6 रोग के अंतर्गत हमको सुपरविजन करना है, निगरानी करना है, सुपर जो आपका सर्विलियंस करना है टीवी के लिए, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट आपका जो आणविक उपकरण के रूप में जीनोम सिक्वेंसिंग का जो है प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए जो जीनोमिक जो आपका डेटा का विश्लेषण है वो आपका आवश्यक है, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी है उसका इफेक्टिव यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, रैपिडली हम आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे, है ना, टीवी के कि किस तरीके से ओरिजिन हो रहा है, फिर ड्रग रेजिस्टेंस प्रोफाइल को भी वहां पर हम क्या कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, है ना, जो आपके पेशेंट के अंतर्गत जो टीवी के स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा, फैसिलिटेट कर पाएंगे ट्रीटमेंट को, स्ट्रैटेजीज को जो है बेटर और इफिशियंट मैनर में जो है वहां पर क्या कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे और इस तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे टीवी के ट्रांसमिशन को और डिसीज के बर्डन को कम कर पाएंगे, नॉर्मल से चीज है। अब हमारा लक्ष्य भी है, हमने कल भी जो है उसको फॉलो किया था, है ना, पढ़ा था हमने, तो बताइएगा जरा हमारा किस तरीके की पॉलिसी है, कब तक हमको जो अपने देश से पूरी तरीके से जो है टीवी को इरेडिकेट करना है, से ईयर तक, है ना, ये बताइएगा आप लोग। इसके बाद जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारा उसकी और भी क्या जो है पहले हैं, इनिशिएटिव्स उसने लिए हैं 6 रोग उन्मूलन के लिए, तो पहली बात तो ये कि कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इन्होंने भागीदारी की है रिसर्च और डेवलपमेंट के संदर्भ में टीवी से रिलेटेड, है ना। इसके बाद जो रीजनल प्रोस्पेक्टिव जो आपका ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है उसके अंतर्गत देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस इनिशिएटिव, ये आपका बायलेटरल एफर्ट है इंडिया और US का वैक्सीन जो आपका वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम है,
ताकि जो एडवांस ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च है उसको जो है मूर्त रूप प्रदान किया जा सके। इसके बाद जो डिपार्टमेंट है उसने इनिशिएट किया है मेजर नेटवर्क प्रोग्राम, जिसको बोला गया है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है ना, टीबी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को यहाँ पर फोकस किया गया। इसके बाद जो है एमडीआर क्या होता है बताइएगा जरा, ये आपने पढ़ा भी होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, पुराना ही है ये आपका, मरीन पॉल्यूशन वगैरह भी पढ़ते होंगे आप लोग, एनवायरमेंट के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑयल जैपर वगैरह आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, है ना। तो ऑयल स्पिल होता है क्या, तो सीधी बात है कि तेल का रिसाव, है ना, किसी जल निकाय में, समुद्र में, नदी में, ठीक है। तो अभी ट्यूनिशियंस जो आपके ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोला तेल रिसाव से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए उन्होंने नेशनल इमरजेंसी प्लान को जो है वहां पर क्या किया है, एक्टिवेट किया है। सीधी बात है, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। अब इसके कारण देख लेते हैं हम लोग क्या होते हैं ऑयल स्पिल के। तो सीधी बात है नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे सुनामी है, साइक्लोन है, थंडर स्टॉर्म है ना, मानव जनित जो आपके कारक हैं वो भी, जैसे वॉर है, अटैक है ना, ह्यूमन मिस्टेक्स भी हो जाती है कई बार, जैसे शिप्स जो है आपस में टकरा गए, उनके बीच में एक्सीडेंट हो गया, है ना, जो टैंकर्स में से क्रूड ऑयल आपका जो है रिस के चला गया, है ना, ड्रिलिंग वगैरह से भी होता है, ठीक है। और उसके अलावा कई सारी जो है और भी मानव जनित जो है क्रियाकलाप जिससे ऑयल स्पिल हो सकता है, नॉर्मल सी चीज है। अब इसके प्रभाव क्या होंगे, तो सीधी बात है कि अगर मरीन पॉल्यूशन हो रहा है तो उसमें पूरा जो एनवायरमेंट है और जो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसमें नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो वहां की बायोडाइवर्सिटी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। फिर जो वहां पर अगर तेल की परत ऊपर जम जाएगी तो जो वहां पर आपका क्या होगा, जो वहां पर जैविक ऑक्सीजन की मांग है वो आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का पेनिट्रेशन कम हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा वो, तो वहां पर जलीय जीवों की मृत्यु भी हो सकती है, उससे कॉम्पिटिशन भी बढ़ सकता है, तो एक तरीके से वो भी पोल्यूशन ही कर रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इसमें जो अगर देखा जाए ऑयल कंपोनेंट के अंतर्गत, तो ये आपका इरिटेंट के रूप में भी कार्य करता है स्किन के लिए। उसके बाद ये पेनिट्रेट कर सकता है बॉडी में, है ना, वाया स्किन एब्जॉर्प्शन, है ना, एब्जॉर्प्शन अवशोषण से, तो उससे भी शरीर में जो है ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। कई सारे जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होते हैं ऑयल के अंतर्गत वोलाटाइल होते हैं, है ना, वोलाटाइल आपने सुना होगा, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह, ठीक है, तो वोलेटाइल होते हैं, तो ये जो है इजिली इवेपोरेट जो है हो जाते हैं। और जब अपन सांस लेते हैं, श्वसन की प्रक्रिया जब कोई भी जीव कर रहा है या मनुष्य कर रहा है, तो उसके साथ उनकी बॉडी में भी इंटर कर जाते हैं। ये इमीडिएट फायर हजार्ड को भी जो है उसमें भी जो है क्या कर सकते हैं, उसका भी कारण बन सकते हैं, है ना। ये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को भी जो है प्रदूषित करते हैं। इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट भी, जैसे टूरिज्म पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे, मरीन इकोसिस्टम में तो डालेंगे, एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है इसमें रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज में भी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है इसमें यह भी देखा जाता है कि जैसे बायोडिग्रेडेशन है, ठीक है ना, नेचुरल जो बायोडिग्रेडेशन है उसको क्या करता है ये आपका, उसको भी जो है तीव्र कर देगा। ऐसा समझिए, सीधी बात ये है कि जो आपका जल की सतह है उसमें अगर तेल जो है वहां पर इसके चला गया, ठीक है ना, तो वैसे भी जो है वहां पर बीओडी सीओडी वाला कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब वहां पर जो बायोडिग्रेडेशन है ना, वहां उसको भी नेचुरल बायोडिग्रेडेशन को क्या करेगा, वो वहां पर भी नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। इसके बाद यहाँ पर ये भी है कि जो आपके धुंधले समुद्री, जो भारी आपके समुद्री स्तनधारी है वो भी इससे प्रभावित, देखिए सारे जलीय जीवों पर जो है ऋणात्मक प्रभाव ये डालेंगे, ठीक है ना। और ये जो है एनिमल्स के लिए जो है विषाक्त भी होता है, उसके कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है, लंग्स लीवर में भी उन पर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके साथ ही जैसे क्रूड ऑयल वगैरह है तो वो मेनली उसका केमिकल कंपाउंड देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन से, तो कई सारे उसमें टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जैसे बेंजीन है, टॉल्यून है आपका, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजनेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो ये डिग्रेड करता है आपका एयर क्वालिटी को भी, है ना। सॉल्ट वाटर, मार्शी और जो मैंग्रोव्स होते हैं वो भी फ्रेक्वेंटली सफर कर रहे हैं ऑयल स्पिल से, तो ये तो जो है बहुत ही यहां पर बायोडायवर्सिटी की आप मात्रा देखेंगे तो बहुत उच्च है, तो वहां पर ऋणात्मक प्रभाव डालेगा। तो ओवरऑल पूरे के पूरे जो मरीन इकोसिस्टम है, मरीन जो आपका इकोसिस्टम है, वहां का जो आपका सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र है उस पर ऋणात्मक प्रभाव डालेगा। तो टेक्निक्स क्या है जो क्लियर कर सकती हैं आपकी ऑयल स्पिल्स को, तो एक बायो रेमेडिएशन है, इसमें बायोलॉजिकल एजेंट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं जो ब्रेक डाउन कर देता है उसको या रिमूव कर देता है ऑयल को, जैसे कि आपका एग्जाम्पल के रूप में एल्केनी वोरेक्स आपका बैक्टीरिया है। उसके बाद यहाँ पर ऑयल्स डिस्पर्स का भी यूज करते हैं डिटर्जेंट के साथ, या अदर जो आपके ऑयल डेंसर देन वाटर, मतलब जो ऑयल डेंस होता है वाटर से उसका यूज करते, तो वो उसको डिस्पर्स कर देता, फैलाव हो जाता है उससे, ठीक है ना। तो उसको जो है वहां पर उससे भी क्या किया जा सकता है, क्लियर किया जा सकता है ऑयल स्पिल को। उसके बाद आप देखेंगे तो ऑयल को सक भी किया जा सकता है ना,
किसके द्वारा? पानी के द्वारा, वाटर। उसमें किसका यूज करेंगे? वैक्यूम का, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूज आप जानते होंगे, है ना, ठीक है। अपकेंद्री और अभिकेंद्री दो चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो उसको यूज कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए ऑयल को फ्रॉम द वाटर, ठीक है ना। जैसे मक्खन वक्खन निकालना आपने देखा होगा। इसके बाद यहाँ पर कॉगुलेशन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल सी चीजें जैसे समुद्र तट पर जो जमा तेल है उसको क्या करेंगे, बीच में जो है रेकिंग मशीनरी द्वारा उसको जो है अलग किया जा सकता है। उसके बाद ऑयल जैपर जो मैं बोल रहा था, इसमें बैक्टीरिया जो है फीड करता है जो ऑयल में और डिग्रेड कर देता है वहां पर हाइड्रोकार्बन को। इसके बाद नैनो शीट्स का भी यूज करते हैं, ये आपका रिसाइकलेबल आपका क्या है, जिसका पुनर्चक्रण किया जाने वाला मटेरियल है जो एब्जॉर्ब करता है 33 टाइम्स उसके वेट के अकॉर्डिंग ऑयल में। तो एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो भी जो है ऑयल स्पिल की जो आपकी घटना है उसको वो क्या करेगा, ठीक कर सकेगा, है ना। उसको जो है वहां पर ठीक करने के लिए इन टेक्निक्स का यूज किया जा सकता है। वर्तमान नियम क्या है ऑयल स्पिल से रिलेटेड भारत में? तो सबसे पहली चीज ये है कि हमारे यहाँ कोई भी लॉ अभी नहीं है जो कवर करे ऑयल स्पिल को और उससे रिलेटेड जो एनवायरमेंटल हार्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन कंट्री ने क्या किया, हमारे देश ने एक नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान को बनाया था जो डील करता है इस तरीके के संदर्भों से। 1996 में इसको बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो आपका यहाँ पर इनेबल करता है इंडियन कोस्ट गार्ड को कि वो कार्य करे स्टेट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज और भी जो आपके पोर्ट अथॉरिटीज और एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके, ताकि जो ऑयल स्पिल है उसको जो है स्वच्छ बनाया जा सके, क्लीन अप किया जा सके उसका। इसके बाद इंटरनेशनल कन्वेंशन है आपका, है ना, ऑन सिविल लायबिलिटी फॉर बंकर ऑयल पॉल्यूशन डैमेज 2001, जो एडमिनिस्टर्ड किया जाता है इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। और ऑयल स्पिल डैमेज जो है कंपनसेट किया जाता है फेयर, टाइमली और इफेक्टिव मैनर से इस कन्वेंशन के अंतर्गत, और इसको इंडिया ने रेटिफाई कर रखा है 2015 में, इंपॉर्टेंट है, देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है, इसमें इरिडियम फोन, सैटेलाइट फोन और थर्मल कैमरे की बात की गई है। तो अभी जो हमारे यहाँ आप देखेंगे कि मिलिटेंसी हिट जो आपका एरिया है ना, आतंकवाद से प्रभावित जो क्षेत्र कश्मीर वैली है, तो वहां पर इरिडियम सैटेलाइट फोन्स वगैरह पाए गए हैं, इसलिए ये टॉपिक यहाँ पर रखा गया। तो ये फोन कैसे होते हैं, ये एक तो सैटेलाइट फोन आपको समझ में आ रहा है कि अर्थ में मैक्सिमम जगह से इसको ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये फोन जो है उसमें क्या क्या सुविधाएं होती है, जैसे वॉइस है, मैसेजिंग है, डेटा सर्विस, और अर्थ में कहीं से भी जो है इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है, है ना। और ये जो है आपका एडवेंचरर्स के लिए, गवर्नमेंट वर्कर्स के लिए, इनके लिए जो है इसको बनाया गया है ना, कठोर हार्डवेयर के माध्यम से जो है पृथ्वी पर कहीं से भी जो है इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब ये सैटेलाइट फोन जो है एक प्रकार का मोबाइल फोन ही है, समझिए आप, और सामान्य फोन की अपेक्षा जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो ज्यादा एडवांस्ड फीचर होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या करते हैं कि जो आपके ये जैसे सामान्य आपके जो फोन, मोबाइल फोन है, तो नेटवर्क की वहां इसमें इशू आती है, और इसमें जो है जो आपके जो आपका पृथ्वी में किसी भी साइट से जो है इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है, यूज किया जा सकता है। अब यहां पर समझिएगा कि जो आपके सामान्य फोन होते थे उसमें टेरेस्ट्रियल साइट्स का यूज किया जाता था, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया जाएगा कि ये रेडियो, है ना, रेडियो का यूज करेगा थ्रू ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स का, ठीक है ना। तो नॉर्मल फोन से ये आपका डिफरेंस है, बिल्कुल कॉन्टेक्चुअल पार्ट है, इसमें बहुत ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल फैक्चुअल और कॉन्टेक्चुअल पार्ट है ये आपका, ठीक है। और जो सैटेलाइट फोन होता है ये रेडियो ट्रांस क्या होता है, ट्रांसीवर होता है ना, इसमें रेडियो ट्रांसीवर होता है, ठीक है, सैटेलाइट फोन में, ये आपका कीवर्ड है, याद रखिएगा, जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से जो है डायरेक्टली जो है सैटेलाइट से सिग्नल जो है ट्रांसफर किए जाते हैं। तो जब सैटेलाइट फोन ऑन होता है तो सिग्नल जो होता है आपका, वो आपका क्या होता है, कंपैटिबल जो भी कंस्टेलेशन होता है उससे जो है उसका आदान प्रदान स्टार्ट होता है, ठीक है, जहां से इसको रजिस्टर्ड किया जाता है ना, जहां से इसको रजिस्टर किया गया होगा कॉन्स्टेलेशन में, ठीक है। तो वो उसी से जो है संपर्क स्थापित करता है और उसी तरीके से जो है संगत जो भी आपका कॉन्स्टेलेशन है उससे सभी उपग्रह तक जो है उसका आदान प्रदान होता है, नॉर्मल सी चीज है। अब सैटेलाइट फोन का यूज जो है आपका सेल टावरों द्वारा कवर किया जाता है, है ना। तो अब देखिए, समझिए, सैटेलाइट फोन का जो यूज है उसमें सेल टावर द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, समझ रहे, इसका कवरेज जो है वो पर्याप्त है पृथ्वी में। तो ऐसा नहीं कि नेटवर्क नहीं आ रहा, बात नहीं हो सकती,
ठीक है, तो इसका यूज कहीं से भी किया जा सकता है, तो ज्यादा एडवांस चाहिए। और पृथ्वी की सतह पर अधिकांश या सभी, आप ऐसे समझिए कि सभी, लगभग सभी भौगोलिक जो आपके स्थान है पृथ्वी पर, वहां से इसका उपयोग किया जा सकता है। और इसमें जो यूज किया जाता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो थर्मल कैमरा की बात कर रहे हैं, तो ये एक तरीके का इंटरनल मेजरिंग डिवाइस है जो कैप्चर करता है इंफ्रारेड रेडिएशन को, जिसको बोलते हैं माइक्रोबोलोमीटर्स। माइक्रोबोलोमीटर जो रिकॉर्ड करता है वो टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, और ये असाइन करता है पिक्सल्स को, है ना, जिसमें एप्रोप्रिएट कलर के माध्यम से जो है वहां पर पता चलता है हमको कि ये क्या शो कर रहा है इसकी फाइंडिंग्स में, है ना, कैमरे की स्क्रीन में क्या फाइंडिंग्स आ रही है। मान लीजिए रेड और ऑरेंज कलर है तो उसका मतलब ये है कि हाई टेम्परेचर है, ब्लू और ग्रीन कलर है तो वो लो टेम्परेचर को वहां पर दर्शाता है। अब थर्मल इमेज का मतलब क्या है, तो जो भी मान लीजिए कि पुलिस है, मिलिट्री है, तो उसको टारगेट डिटेक्शन में जो यूज किया जाता है, अधिग्रहण के लिए यूज किया जा सकता है, मॉनिटरिंग के लिए, सर्विलियंस के लिए, है ना, सिक्योरिटीज एजेंसीज के द्वारा थर्मल वेपन साइट को जो है काउंटर करने के लिए, ये हिडन टेररिस्ट के लिए जो है ना उनके खिलाफ यूज किया जा सकता है, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में, है ना, और वेटरनरी जो आपके क्या है थर्मल इमेजिंग के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है, तो सबसे पहले EDAR पोर्टल के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है कि इसका मतलब यह है कि ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट पोर्टल, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि इसको डेवलप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा, बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट भी। तीसरी बात ये यहां पर बताई जा रही स्टेटमेंट में कि ये प्रोवाइड करता है इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन द रोड एक्सीडेंट, ये भी ठीक है। इसके बाद ये हेल्प करता है, ठीक है, एक्सेलरेट करने में कि किस तरीके का एक्सेलरेशन यहाँ पर बता रहे हैं, किस संदर्भ में बात कर रहे हैं कि तेजी लाएगा ये, तो जैसे एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसमें कंपनसेशन क्लेम्स वगैरह जो होता है उनसे जुड़े जो परिवारजन होते हैं जिनका एक्सीडेंट होता है तो उनको जल्दी से जल्दी कंपनसेशन मिल सके, है ना, और उनको जो है रिलीफ मिल सके, किसको, विक्टिम की फैमिली को, तो बिल्कुल ठीक बात है, इससे इसी तरीके की राहत मिलेगी। तो चौथा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर चारों स्टेटमेंट सही है और सही ही पूछा गया था, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि अल अक्सा जो आपकी मस्जिद है ना, वो कहाँ पर जो है किस देश में अवस्थित है, है ना, तो जेरूसलम में है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और मैप में देख भी जाएगा, ये आपका जेरूसलम है जो कि सी में दिया गया। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।